राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार भी अब तक ये क्लियर नहीं कर पाई कि इस बार भी चुनाव होंगे या नहीं। इसी को लेकर गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले एबीवीपी भी शामिल थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले एबीवीपी इस मुद्दे से पीछे हट गई। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के फैसले पर भी सफाई दी और प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग की। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18 पूर्व अध्यक्ष जिनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक कालीचरण सराफ समेत कई नेता शामिल हैं, वो भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेटर लिख प्रदेश में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हो रहे संयुक्त प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हिस्सा नहीं ले रहे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रदर्शन से फिलहाल दूरी बना रखी, जबकि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन से पहले एबीवीपी के छात्रों को भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। आखिरी वक्त पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रदर्शन से दूरी बना ली। वहीं एनएसयूआई, एसएफआई, आरएलपी समेत अलग अलग छात्र नेता इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्य की स्कॉर्पियो से पुलिस को डंडे मिले थे, इस पर पुलिस और आदित्य के बीच बहस हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आदित्य को उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला और हिरासत में लिया। छात्र नेता छात्र कमल चौधरी ने कहा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम छात्रों की आवाज को दबाना चाहती, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। आम छात्र सरकार की तानाशाही से डरेगा नहीं, बल्कि पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश भर में लाखों की तादाद में युवा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी।